कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 115 दिन हो गए। ये यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, लेकिन राहुल की यात्रा के श्रीनगर पहुंचने से पहले ही राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। कश्मीर के लोगों को राहुल का बेसब्री से इंतजार है। यात्रा को लेकर कश्मीर में तैयारियां भी आखिरी पड़ाव पर हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के एक नेता का बड़ा बयान सामने आया है, तो क्या कहा है इस बयान में, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल का एक नया अंदाज और नया अवतार सामने आया है। राहुल एक गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं, ये बात अब सारा देश मान रहा है। रविवार शाम कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल ने मीडिया से बात करते हुए खुद ये बात कही कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी, और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूँ। MSP बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे, मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। मैं सीरियस आदमी हूं, मैं अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो क्रेडिबली निकलना चाहिए, सच्चाई निकलना चाहिए। राहुल के इस बयान के काफी सियासी मायने हैं। राहुल ने साफ कर दिया है कि अब वो पीएम मोदी का बड़ा विकल्प बन चुके हैं। बीजेपी भी ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी अब पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौती बन गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोदी सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कर रही है। ये बयान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर में रविवार को मीडिया से बात करते हुए दिया था। जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रमन भल्ला ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने में सफल रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए काफी कोशिश की और दुष्प्रचार किया। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों ने राहुल गांधी की सच्चाई को देखने और परखने का भी काम किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को महंगाई से त्रस्त करने, बेरोजगारी बढ़ाकर रोजी रोटी के लिए लोगों को तरसाने का काम किया है, सांप्रदायिकता का जहर देश में घोलकर आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।